तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और मुझे पता है तुम लोग आए हो, तो तुम्हें चीजें चाहिए ऐसी के हाँ जो वर्थ इट हो, तो वर्थ इट चीज दूंगा पक्का से। थोड़ा बस पीछे की आवाज को मिस करना, पूरी तरीके से मिनिमाइज नहीं कर सकता मैं इस आवाज को, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट लेट्स स्टार्ट द न्यू वीडियो विद योर ऑसम नेबरहुड रिव्यूअर। आज की वीडियो सिक्स्थ पार्ट है इस पूरी सीरीज का, जो कि है 30 Days 30 Videos। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी जो YouTube पर फ्री मिल जाएगी, जिसमें कमल हसन जैसे और आर माधवन जैसे हीरोज ने काम किया है। तो तुम सोच सकते हो कि कुछ तो होगा, बट हाँ 2003 की मूवी है जिसका नाम है शिवम। तो इस मूवी में तीन लोग स्टार कर रहे हैं, जिनमें से एक है आर माधवन, कमल हसन और किरण राठौड़। तुमने नहीं जानते तो देख लेना, गूगल कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, तुमने लगेगा कि हाँ देखा हुआ है अगर तुम 20s के हो बच्चे। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो मुझे पता चला कि स्क्रीन प्ले और जो स्टोरी है वो स्क्रिप्ट राइटिंग कमल हसन ने करी। तो मूवी की शुरुआत से तुम्हें एक चीज़ पता चल जाती है कि जो डबिंग है वो वीक है, वीक पॉइंट है इस पूरी मूवी का सबसे ज़्यादा, क्योंकि और सब ना तुम सह लेते हो। शुरुआत के 5 मिनट में तुम्हें समझ आता था कि डबिंग अच्छे से नहीं करी गई है। 2003 की मूवी तो तुम समझ सकते हो 4 साल पहले डब करी गई है, बट उसके हिसाब से भी बहुत लो क्वालिटी है। उसके बाद कुछ गाने हैं ना, उसके कॉपीराइट मिले नहीं या डब नहीं कर पाए, क्या हुआ तो उसको पूरा म्यूट ही डाल रखा है मूवी में, तो वो अजीब लगता है। बट गाने सुनने नहीं आया था मैं, इसलिए मैंने मूवी देखी। तो मूवी की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट से, एक इरिटेट करने वाला बंदा तुम्हारी हेल्प करने लग जाता है जबकि तुम उसे फंसाना चाहते हो, या तुम्हें गलतफहमी हो जाती है कि वो शायद से टेररिस्ट तो नहीं, तो तुम पुलिस वालों को सर्च के लिए भेजते हो। बट वो बहुत नॉर्मल बंदा निकलता है और वो तुमसे बात करने आ रहा होता है नॉर्मली कि आपको शायद से गलतफहमी हो गई है, बट तुम बच के भागते हो। फिर जो स्टोरी चालू होती है वहाँ से, ये है सिनॉप्सिस। आर माधवन वो कैरेक्टर है जिसने बोला था पुलिस को कि मेरे को लग रहा है वो शायद से उनके पास कुछ है बॉम्ब वॉम, और जो बंदा है जिसकी बात हो रही है वो है कमल हसन, जिसने बाद में दिल जीत लिया मूवी के एंड तक आते आते। और उसने ना पूरी मूवी में एक ही कॉन्सेप्ट समझाया कि अहम ब्रह्मास्मि का असली मतलब क्या, वो उसमें दिखाया। तो इस मूवी में कमल सर और आर माधवन सर की जो वो है ना चार्म एक्टिंग का, वो दिख के आता शुरुआत से तुम्हें। बहुत सेटल जो स्टोरीज होती है ना वैसी मूवी है, अगर तुम्हें बोरिंग लगे तो तुम छोड़ सकते हो, बट ये एक ऐसी मूवी है जो तुम्हें देखनी चाहिए। तुम्हें आर माधवन को तो हम कितना ही देख चुके हैं, उससे नहीं मन भरता। वो बंदा रॉकेटरी में भी है तो भी मजे देखे गया, अभी आया था वो चैतान में, उसमें भी मजे देखे गया, और 4-5 मूवी और भी 3 Idiots भाई, हर अलग अलग कैरेक्टर्स में इतने अच्छे से बखूबी निभाता वो इंसान उन कैरेक्टर्स को, मजा आ जाता है। और जो इसका एक्चुअल नेम है उसका नाम है एनबे शिवम, 2003 में आई थी ये मूवी। अब ये मत पूछना कहाँ से पता चला, ऑब्वियसली विकिपीडिया, बट किसके में गया था वो तुम्हें पता है, जो मैंने तुम्हें कहा गूगल कर लेना वही मैंने किया। देखो जानना पड़ता है शुरुआत में ना चीज़ों को, फिर मैंने कुछ अलग चीज़ बताई वो भी इसी वीडियो में बताता हूँ। और जब मैं ये सब चीज़ जान रहा था तब मेरे को पता चला कि जो लीड है इस मूवी का उसके पास और जो जो एक्ट्रेस है उसके बीच में गैप पता है कितने का, 25 fucking years। बट यही तो मूवीज़ का काम है कि तुम्हें डिफरेंस ही नहीं पता चलता, पता चलता है बट तुम कुछ कर नहीं सकते, ये है मेन ठीक है। और जो मूवी में बहुत अच्छी और सटल चीज़ है ना वो है कि ट्रांजिशन, जो चीज़ों में ट्रांजिशन दिखाई गई है वो एक फर्दर स्टेप लिया गया है 2003 के हिसाब से, कि एक मूवी एक जूम इन शॉट है जो आंखों के पास तक आता है, उसके बाद जो अगला शॉट है वो कट करके लगाया गया है हेडलाइट्स ऑफ द कार, फिर वो ट्रैवल होता है। तो वो ट्रांजिशंस कुछ कुछ अच्छे हैं, और वो पानी में पत्थर फेंकने के बाद जो पास में पहुंच जाता है वो, ये जो हैं ट्रांजिशन बहुत अच्छे हैं। तो जो पत्थर फेंका उसके बाद हमें पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है कमल हसन की कैरेक्टर, हाँ वो क्या वो कॉमरेड था, हाँ उसको कम्युनलिज्म पसंद था, निकलता क्यों नहीं है शब्द ठीक है, तो ये शब्द जो है कम्युनलिज्म उसमें वो थोड़ा अच्छा था और वो अपने आप को कॉमरेड बताता था और 4-5 लोग और भी मानते थे उसको। उसके बाद जो इसकी लाइफ टर्न होती क्योंकि वो अच्छा करना चाहता था, तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा बहुत कम होता है, तो वही उसके साथ होता है इसी अच्छे बनने के चक्कर में, जो गरीबों की मदद करना चाहते थे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं अमीर लोगों के गुंडे, और फिर वो जब मारता उनको, फिर उस टाइम मेरे को समझ आया जो पोपट लाल है वो अपने साथ छाता लेके क्यों घूमता है। सच ये तुम उसका फाइटिंग सीक्वेंस देखो भाई, इतना सही क्राफ्ट किया गया, तुम्हें पता है तुम्हें बिलीव नहीं होगा बट तुम उसको देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार जस्टिफाई तो किया है, क्योंकि कार्टूनिश लगता है नो डाउट भाई। बट जब वो एंकल एंकर जैसा पकड़ता है ना लोगों को उस छाते के हैंडल से फिर खींचता है, तो लगता है कि हाँ भाई सही तो है, खराबी नहीं, बट हाँ वेट का ही नहीं संभाल सकता, बट और सब तो ठीक है, उड़ रहा है उससे अलग ही। वो देखिए चांदनी चौक टू चाइना जैसे छाता लेके उड़ जाता है, इसमें भी है थोड़ा थोड़ा सा है,
थोड़ा सा फ्लाइट मूड में आता है बट उसके बाद ठीक है। और जो ट्रांजिशन है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया उससे पता क्या चलता है, रेफरेंस कह सकते हो तुम कि पानी में ओझल हुआ उसका अतीत, ऐसा दिखाया गया कमल का, कमल हसन का, कमल का सॉरी भाई कमल तेरे को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, तेरा भी वैसे अतीत तो पानी में ही ओझल हुआ, कौन से वाले पानी में तुझे भी पता है। फिर हमें दिखाया जाता आर्माद मन और कमल हसन जो कि उनके कैरेक्टर्स का नाम है, आनंद और शिवा की केमिस्ट्री अब बहुत आगे जा चुकी है, वो अपने आप को अब फ्री मान रहे, आनंद की इस तरफ से फ्री मानने लगा है, वो अपने बड़े भाई जैसा उसको कंसीडर करने लगा है कुछ इंसिडेंट की वजह से, जिसकी वजह से शायद से शिवा अपनी वर्थ पहचान पाया था, वही सेम जब आनंद के साथ होता है शिवा के थ्रू। तो लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो जो इंसान से भगवान बनने की प्रक्रिया है ये दोनों समय जा चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि खुद जाके, जैसे आजकल कुछ लोग खुद जाके बुलवाते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ लोग अपने आप आ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि भीड़ आ रही है लोगों को, यहाँ वही दो चार लोग जो अपना भगवान उसमें देखने लगे क्योंकि वो एक तरीके से प्रोटेक्टर बन के आया था उनकी जिंदगी में, वो है असली भगवान उनके लिए, जो इतना मेटाफोरिकली चीज़ों को कहा गया है पूरी मूवी में यही है कि अम ब्रह्मास्मि उसके ऊपर बात करी गई है एंड ऑफ द क्लाइमेक्स में। मतलब अगर तुम्हें ये थोड़ा भी रिव्यू अच्छा लगा तो शायद से तुम्हें मूवी बहुत अच्छी लगेगी, तो अगर तुमने ये रिव्यू पूरा देख लिया तो जाके सर्च करो शिवम 2003 और जो मैंने नाम बताए तीनों एक्टर्स के वो देखो, शिवम डालोगे तो भी आ जाए, शायद शिवम कमल हसन डालना आ जाएगी मूवी, और देखो अच्छी मूवी दिल से अच्छा लगता है थोड़ा। लास्ट में मूवी एंड होती है एक अच्छे पॉइंट पे जहाँ तुम्हें फिर से एक सीख दी जाती है, हाँ तो कभी कभार लगता है कि सीख ज़्यादा हो गई बट ठीक है, कभी कभार ऐसी मूवीज़ भी देखनी चाहिए कि जिसमें नहीं है आखिर में मारधाड़ और नॉर्मली चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। ऐसी मैंने एक और साउथ की मूवी देखी थी जिसमें रामपुत्र नैनी था, हाँ उसमें था एक मूवी में एंड होता है बस बात करके छोड़ देता है बंदी को और कहता ले गया। तो आज के लिए इतनी वीडियो में बातचीत होगी रिव्यू से रिलेटेड, तो अब मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में जिसमें मजे करेंगे हम वापस से, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी दिनों से दुरुस्त रहना, और आते रहना मेरे चैनल पर वापस से ताकि तुम्हें रिव्यू मिल पाए और नई नई वीडियोस जो तुम्हें चाहिए मूवीज़ और रिकमेंडेशन वो मिलती रहे। तो अब अगर जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे पास कॉन्टेंट शॉर्टेज होने नहीं देगा मेरे दोस्त, बट अगर तुम्हें कोई खुद की अभी अपनी मूवी जो तुम चाहते हो मैं रिव्यू करूँ तो प्लीज़ बताना मैं कमेंट सेक्शन में, तो शायद से मैं रिव्यू कर दूँ, क्योंकि सीरीज़ मैं नहीं देख सकता, थोड़ा समझो कि 30 दिन में 30 वीडियो डालनी है, 25 दिन में 25 अब शायद, तो वो भी पॉसिबल नहीं है अगर मैं सीरीज़ में वो देखने लग जाऊँ, समझ रहे हो, तो बाय बाय।